Now I think I should focus on my hitchhike. The third hitchhike, तीसरी लिफ्ट देखते कैसे मिलती है। मैं 500 रुपये टिकट करके आया हूँ वोल्वो बिजनेस क्लास की। तो गाइस बेवकूफ ना बने, ऐसे ही होता है। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 13 अगस्त 2021 और मैं निकल चुका अपने हॉस्टल से। आज का प्लान है सोलंग वैली का, सोच रहा हूँ सोलंग वैली जाऊँगा। एंड बॉस बैंड बज चुकी है पैरों की, कल जो ट्रैकिंग करती उसके बाद से, बट स्टिल कल का दिन और भी मेरे यहाँ पे। कल शायद चिल मारूँ, देखूँगा क्या करना है। और आज जा रहा हूँ सोलंग वैली वापस, सेम रूट पे, सेम रास्ते पे। हॉस्टल से निकल चुका हूँ, मैगी बना के खा ली थी और थोड़ी सी पैक भी कर ली जो कि मैं घर से लाया था। अब बस चल पड़े हैं राहों में कारवा अपना आगे बढ़ाने। 11:30 बज रहे हैं और प्लान है कि 2:30 बजे तक सोलंग वैली पहुँच जाऊँ, बिकॉज पहाड़ों में आते आते काफ़ी रात हो जाती है और लाइट वाइट होती नहीं इतनी ज़्यादा। और सोलंग वैली जाऊँगा मैं हिचहाइक करते करते, ट्राई पूरा यही करूँगा हिचहाइक करके जाऊँ और हिचहाइक करके वापस आऊँ, जो कि है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। एक बड़ी एडवेंचर होने वाला है, दिखाऊँगा कि आप हिचहाइक करके लिफ्ट ले लेके कैसे पहुँच सकते हैं। हिचहाइक मीन लिफ्ट लेना, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ। बस देखते हैं, अगर हो सके तो लिफ्ट लेंगे, नहीं तो है ही टैक्सी कार, तो सब जगह जिंदाबाद। और टाइम से जाना है, टाइम से आना है आज। मेरी पहले लिफ्ट शुरू होती है, ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से ऑफ रोड था पूरा, जहाँ मेरा हॉस्टल है वहाँ से मैं आ गया। अब यहाँ से देखता हूँ कि कैसे लिफ्ट मिलेगी, कैसे क्या होगा। तो लेट्स ट्राई आर लक। भाई थोड़ा आगे छोड़ दो। नाइस, तो यू कैन सी। वैसे मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ जब मैं हिचहाइक करता रहता हूँ, बट बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। एंड टूरिस्ट प्लेस पे तो वैसे लोग नहीं करते यार, बहुत कम है। जैसे बाहर के आए हो गए, जिन्होंने रेंट बाइक ले रखी है उनका हो गया, बस वही सब। मतलब अगर आपको यहाँ पे आके अगर बाइक वाइक लेनी हो कालीन, तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं आपको। रॉयल कल जो मुझे बंदे मिलते, कल उनसे बात करती, स्कूटी आपको मिल जाएगी करीब करीब, लेट मी जस्ट सी। सो या अब सिंह की आपको स्कूटी मिल जाएगी 500 रुपये में यहाँ पे करीब करीब, और रॉयल इनफील्ड की 1000 रुपीज़ की, जो मतलब दैट्स अ बार्गेन प्राइस। आप एंड या मनाली का जो ट्रिप है आपका 2 दिन का बहुत रहेगा, 2 से 3 दिन। एंड जो मनाली से नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो पड़ता है चंडीगढ़ का और दिल्ली का ही। सो अगर आप मनाली आना चाहते हैं बाय एयरप्लेन, तो आप चंडीगढ़ आके ही कुछ कर सकते हैं, बस कर सकते हैं, यू नो। अब कंटिन्यू करता हूँ आगे। थैंक यू। सो यहाँ सर मिल गए, थैंक यू सर। तो मेरी पहली हिचहाइक सोलंग वैली जाते हुए। कहाँ तक जा रहे सर आप? मार्केट तक जा रहे हैं? ठीक है, थैंक यू सर। सो कंटिन्यू करते हैं, ये मॉल रोड तक मैं छोड़ देंगे, उसके बाद देखता हूँ क्या करता हूँ। सो दैट्स गोइंग, थैंक यू मैडम। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये मेन चौक है, मैं आपको पूछ लेता हूँ सर, इस चौक का नाम क्या है? न्यू ब्रिज बोला। न्यू ब्रिज, ओके, थैंक यू सर। सो ये जो चौक है इसको कहते हैं न्यू ब्रिज। यहीं से इधर जाओगे तो प्राइवेट वो है और बस स्टैंड, और इधर है सोलंग वैली। सो मेरी फर्स्ट हिचहाइक देख ली। अब मुझे जाना है यहाँ से काफ़ी आगे, करीब करीब 8-10 किलोमीटर। अब देखता हूँ सेकंड हिचहाइक कैसे करूँगा, लेट्स सी। आप मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ सकते हैं सर, मुझे सोलंग वैली जाना है। सोलंग वैली देखिए आपको, आप कहाँ तक जा रहे हैं आगे तक? थोड़ा सा आगे तक छोड़ देंगे, ये सामने वाले। हाँ जी, थैंक यू अंकल जी। तो अंकल जी ने हेल्प करी, थैंक यू सो मच अंकल जी। चलिए
सेकंड लिफ्ट ऑफ द डे, कहीं तक भी मिले छोटी छोटी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कीप गोइंग गाइस। क्यों सर, हेल्प हो जाती है पैदल रास्ते। अच्छा तो अंकल जी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है, कुछ यहाँ कुंड है सामने गर्म पानी का, एंड यहाँ से मेरी अगली चेक स्टार्ट होगी थर्ड वन, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। टू डू समथिंग मैन, काफ़ी लेट हो रहा है, 5-10 मिनट हो गए खड़े खड़े, एंड मैं वैसे भी लेट निकला था हॉस्टल से, तो इसलिए पकड़नी पड़ेगी। आप मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ देंगे प्लीज, थैंक यू। कहाँ तक जा रहे हैं आप? गुलाबा मतलब सोलंग वैली पार कर गए हैं? सोलंग वैली पहले पढ़ते बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पड़ेगा सोलंग वैली पर जाएगी इस साइड से। माई फोर्स हिट जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम क्या है? तो रामकिशन जी, वैसे ही टूरिस्ट हेल्पलाइन से सर, एक बार टूरिस्ट हेल्पलाइन का नंबर बता दीजिए हमारे दोस्तों को। 2515 75 तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी हेल्प करी। डेट वॉज माई फोर्थ हिच हाइक। मैं यहाँ से पहुँच चुका हूँ कहीं अटल टनल और सोलंग, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रह गया। बस चलते हैं आगे, देखते हैं अगली हिच हाइक। थैंक यू। तो भाई थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। दैट्स माई 5th हिच हाइक ऑफ द डे। लेट्स गो मैन। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? शुभम। आप यहीं रहते हैं लोकल? ओके, थैंक यू सो मच शुभम। 5th हिच हाइक ऑफ द डे। थोड़ा से आगे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अप्रिशिएट डैट ऑल्सो। अब यहाँ से आगे देखते हैं। भाई मुझे सोलंग वैली छोड़ दोगे? थैंक यू सो मच ब्रो। हिचहाइकिंग ट्रक। थैंक यू सो मच भाई। क्या नाम है आपका? ऋषि। थैंक यू सो मच ऋषि। सो लॉर्ड विल लव लिफ्ट मांगते हैं यहाँ पे। ओके नाइस। सो माय लास्ट हिचहाइक टू सोलंग वैली इन अ ट्रक। वीडियो को लाइक करें, एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच ऋषि मुझे ड्रॉप करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज माय लास्ट हिच हाइक। थैंक यू भाई इन दैट ट्रक। अब मैं दिखाता हूँ सोलंग वैली इज ऑल अबाउट। कोई वैसे इतना कुछ खास है नहीं, जिस मुझे पता था कि मॉनसून में कुछ होता नहीं है। दिस इज ऑल सोलंग वैली एंड ऋषि द ट्रक ड्राइवर इज गोइंग टू स्पीति एंड ही ऑफर मी ऑल्सो टू गो विद हिम, बट कोई बात नहीं, अभी ना से अभी नहीं जा सकते। ये कह रहे थे चलो स्पीति चलते हैं, आराम से आएंगे कल सुबह तक, मगर नहीं, मुझे अभी आती प्रेम भाई मिले। प्रेम भैया क्या क्या होता है बता सकते हैं आप थोड़ा सा? सामने जी रोप वे होता है। ओके, लोग यहाँ आए जैसे सोलंग वैली काफ़ी पॉपुलर है यू नो, तो वहाँ आके क्या क्या कर सकते हैं? हाँ जी, तो दिस इज सोलंग वैली, वहाँ रोप वे है एंड ये रोप वे की सेंटर यू नो, यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है और फेमस ये स्नो के कारण है। यहाँ पे अगर आप विंटर्स में आएंगे तो काफ़ी स्नो होती है, तो यहाँ पे रोप वे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। खैर बर्फ़ तो है नहीं, पर जो भी एक्टिविटीज़ है यहाँ मैं उनके प्राइस वाइज आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे होती हैं और क्या क्या होती हैं। यहाँ से पढ़ना चाहिए नीचे टिकट मिलती है। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट द प्राइस ऑफ टिकट? 700 पर पर्सन फॉर रोप वे। सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट रोप वे कि कहाँ से कहाँ तक है और कैसे है और कोई? 3200 मीटर है यहाँ से, तब में जाएगा 1.51 साइड। ओके जस्ट दैट है ना, और कितनी देर का होता है लगभग, कितने टाइम? 15 मिनट की राइड रहती है, उतर के घूम के आ सकते हो, टाइम स्पेंड करके। ओके, और यहाँ से जब रोपवे की टिकट मिलती है किस चीज़ की भी, मतलब कोई और एक्टिविटी की मिलती है? 750 राइट। थैंक यू।
सो ऐसी से कि 15 मिनट की राइड होती है रोप वे की एंड 750 रुपीज़ की मिलती है। तो ये तो होगी रोप वे की बात, अब आगे जाके देखता हूँ कि और कौन कौन सी एक्टिविटीज है कैसे, बट पूरा खाली है गाइस, पूरा खाली है, कोई नहीं। हम खेल के डोल रहे हैं, जन्नत है तो मनाली में और कहीं नहीं है। लेट्स सी। तो जैसे कि अजीत जी ने बताया कि ये माउंटेन बाइक है, सर के क्या चार्जेस होते हैं जैसे कोई आपके पास आए तो क्या चार्जेस? जैसे सीजन होता है इसका 1500 होता है, आजकल ऑफ सीजन है तो 1000 रुपीज़ है, 1800 के बीच। ओके ओके, तो सर कितनी देर की टाइमिंग वाइमिंग कुछ होती है, किलोमीटर वाइज होता है, कैसे होता है? एक घंटा दो घंटा। अच्छा चला सकते हैं एक घंटा दो घंटा एज योर विश, जब तक आप थकते नहीं है ना, एक डेढ़ घंटे वेटिंग करेंगे जैसे आना है उसके बाद ड्रॉप आई करेंगे। ओके, तो आप साथ में ही होते हैं जब वो चला रहा होता है ना इसके लिए? अजय जी जिन्होंने अपनी माउंटेन बाइक को दिखाया और कुछ घोड़े वोड़े हैं, आप चाहते हैं कि इन घोड़ों का प्राइस होता है? वैसे इन घोड़ों का प्राइस क्या प्राइस है? 350। कितनी देर का होता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का। ओके, और फोटो का भी चार्जेस होता है? ओके ओके, थैंक यू सर। ऐसे कितना बताया? 350 रुपये एंड ऑल नेगोशिएबल, यू नो। तो यहाँ नीरज जी मिलेंगे, या कुछ यहाँ के एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे? सर बताइए सर, ये जिप लाइन है, ये जॉली बॉल है, ये पैराग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग बंद है, और ये क्या जी? बंजी जंपिंग। तो इसकी क्या सर प्राइस क्या होते हैं? करा था 500 रुपये। किसका मतलब? कोई भी करवा लो 500 रुपया। कोई टाइम वाइम होता है? कितनी देर तक होगा ये? ओके, कितनी देर की राइड होती होगी? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट की। और ये जो वो अपना पैराग्लाइडिंग है ये कब चालू होती है? आपके सर इसका प्राइस क्या होता होगा पैराग्लाइडिंग का? 3200 रुपये। हाँ जी, 3200 रुपये। शॉर्ट का 1000 रुपये। अच्छा जी, तो यहीं से होती है सारा कुछ? इसी ग्राउंड से होती है। कहाँ तक कैसे होती है, कहाँ तक लेके जाते हैं, कैसे होता है? ये स्टार्ट पॉइंट है ऊपर से, वो ऊपर स्टार्ट पॉइंट है, ऊपर से आएगा, रोपवे में जाएंगे, नीचे वो पैराग्लाइडिंग में आएंगे। ओके नाइस, वो 32 जो वहाँ से होगा वो 3200 का होगा एंड जो वहाँ से होगा वो 1000 का होगा एज ही से। तो दिस इज ऑल अबाउट पैराग्लाइडिंग गाइस, यू कैन कम एंड डू दैट थिंग। सो सर कब शुरू होती है, कौन से मंथ में पैराग्लाइडिंग शुरू होती है? 2-3 महीने बंद रहती है, बाकी चालू। 2-3 महीने बंद रहती है। 2-3 महीने कौन से होते हैं वो मानसून के? 15 जुलाई से 15 सितंबर तक, तो बता रहे हैं। तो आप अगर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इस टाइम के बाद आइएगा। थैंक यू सर। हाँ, ये थोड़े बहुत फूड के प्राइजेस है और ये सारे यहाँ फूड कोर्ट है। सर क्या क्या अवेलेबल होता है आपके पास? मसाला डोसा होगा, आलू टिक्की कितने की, मसाला डोसा कितने का? यहाँ रेट लग रहा था। ओके जी, तो आप यहाँ आए तो यहाँ ये पूरा रेट लिख रहे हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और यहाँ अगर आप आए तो ड्रेस चेंज करके फोटोज भी खिंचवा सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। और मैंने प्राइस पूछा वो थोड़ा वीडियो बनाने में शायद थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी दीदी, क्या प्राइस होता है इसका ड्रेस का? 100 रुपये 50 रुपये है ना, खिंचवाओ तो। ओके, और लड़कों की भी होती है सेम प्राइस लड़कों का भी? लड़कों का भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बढ़िया। आप यहाँ मतलब किस टाइम आते हैं? शुरू 10 बजे। और कितने बजे तक? 5 बजे तक। ओके ओके, सो दैट्स द थिंग। ये भी मैंने सोचा है कि अगर फोटो वोटो खिंचवानी है, कल्चरल एक्टिविटी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोलंग वैली। अगर आप सोलंग वैली आएँ, यहाँ बैठें, आराम से चिल करें, कुछ खाना पीना तो खाए पिए, और जो आप मेरे पीछे पूरा देख रहे हैं यही पूरी सोलंग वैली है। जब अगर आप यहाँ आ रहे हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें कि इन दिनों ना आए मानसून के टाइम पे, बाकी आप कभी भी आ सकते हैं, हर टाइम खुला होता है। मैं यहाँ मानसून के टाइम आया तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मुझे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी थी, सिर्फ वीडियोज़ बनानी थी, वीडियो में दिखाना था और कुछ नहीं। ऐसी जगह आए जैसे कल जोगरी वाटरफॉल दिखाया मैंने आपको, तो बैठे कुछ दल चिर करें, यहाँ की वाइब्स इन्जॉय करें, माउंटेन्स देखें, वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, बस यही। एंड काफ़ी मज़ा आया हिचाइक करने में, मैंने फर्स्ट टाइम हिचाइक की पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई जिसमें मैंने 5 हिचाइक करी। इन्जॉय करें यहाँ की वाइब्स एंड वीडियो अच्छी लग रही तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पूरी सोलंग वैली दिखा दी सारा कुछ, यहाँ पे अगर आए तो क्या क्या कर सकते हैं, बाइक राइडिंग है और यू नो ऑल द थिंग्स। तो अब वापस जा रहा हूँ, करीब करीब 2:30 बज गए हैं। सो गिव मी बेस्ट ऑफ लक फॉर माई चेकिंग अगेन।
सो गोइंग बैक पूरा पिच सोलंग वैली एज यू कैन सी। तो चलते हैं देखेंगे एंजॉय करेंगे हिच हाइकिंग भी अपनी। काफ़ी सारी क्वाड बाइक्स है और नीचे ही हमारे पूछे क्वाड बाइक्स का ऑफिस भी है। तो मेरी पहली इच्छा है बैक टू मनाली, बहुत छोटी सी थी पर मजा आया क्वाड बाइक में। तो पहाड़ की गाड़ी हो ना मोस्टली तो वो वैसे ही ऑक्यूपाइड होती है नॉर्मली, एंड जो कहीं बाहर से आएगा वो जिस दिन थोड़ा सा डरेगा, लोकल लोग वैसे डरे। चलो देखते हैं बैक गुड पीपल एंड बैड पीपल एवरीवेयर। कैन यू प्लीज ड्रॉप मी टू द मनाली और समवेयर नियर अराउंड। कुछ जाते जाते ट्रेन भाई से मिल गए जो मुझे लेफ्ट करेंगे सेकेंड हाइक हिच हाइक और गोइंग बैक। थैंक यू सो मच सर बट मैं सेकेंड लिफ्ट थैंक्स टू प्रेम। एक्चुअली सिर्फ मेरे करके वो यहाँ तक आए, उनको पीछे जाना था कहीं, वो कह रहे मैं आपको थोड़ा सा आगे तक ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ से आपको लिफ्ट मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके जो अपने रास्ते में ना होने के बावजूद अपना रास्ता बदलते हैं आपको छोड़ने के लिए कहीं। तो थैंक यू सो मच प्रेम, आपके जैसे अच्छे लोग और भी हों इस दुनिया में तो दुनिया काफ़ी सुंदर हो जाए पहाड़ों की तरह। तीसरी लिफ्ट देखते कैसे मिलती है। एक गाड़ी रुकी, एक गाड़ी रुकी, एक गाड़ी रुकी। भाई क्या आप छोड़ना आगे छोड़ सकते हैं। थैंक यू। कहाँ तक जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मेरे को मनाली जाना वैसे भाई। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? थैंक यू सो मच मेहमान। कहाँ रहते हैं आप? ओके ओके थैंक यू सो मच। थर्ड हिचहाइक ऑफ द डे। थैंक यू भाई। मे बी मेरे जाती हुई लिफ्ट है थोड़ी लिफ्ट हिचहाइक थोड़ी ज़्यादा हो क्योंकि जितने तीन लिफ्ट मिली है तीनों ने मुझे कुल मिला के 3 किलोमीटर भी नहीं आगे छोड़ा है। अभी तक पुल भी नहीं आया है वो बोला जहाँ से मैंने आते वाली लास्ट लिफ्ट ली थी। अब देखता हूँ आगे कोई एक बड़ी लिफ्ट मिल जाए, अगर छोटी छोटी तो फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि तो दूर जाना है। एंड पहाड़ों पे हिचहाइक करते हो ना थोड़ी ऐसी जगह पर रुको जहाँ से गाड़ियाँ स्पीड में ना आ रही हों क्योंकि तो यहाँ पर काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं एकदम से। खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई, करीब करीब 15-20 मिनट हो गए, कोई लिफ्ट नहीं मिली। थोड़ी बहुत गाड़ी निकली पर रुकी कोई नहीं। ऑफकोर्स हिच हाइकिंग इज टफ। मे बी मैं थोड़ा सा रॉन्ग प्लेस पे खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ से ना ढलान शुरू होती है। थोड़ा सा आगे जाते हैं देखते हैं शायद कोई रुक जाए। तो चलना ही हमारा आखिरी मोल मंत्र है। Suddenly start raining and भाई मिले। Hello brother. Hi. 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 And यहाँ मिले तीन भाई। Hi guys. Please introduce yourself. Shubham. Adika. 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 You? Manish. Manish. Hi guys. Nice to meet you. Yes. And everybody. As I was doing hitchhiking with that guy and they all of their bikes. कितने भाई आपने बाइक क्या रेंट पड़ा? टोटल 5 बाइक है हमारी। हाँ जी 1200 रुपीज रेंट पड़ा। 1200 ओके पर बाइक। ओके हेलो लव फ्रॉम नासिक टू दिस YouTube चैनल। डू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब। श्योर 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 आई विल शो यू माय लिंक। इवन यू गाइस चेक इट आउट। दिस गाय वाज गिविंग मी लिफ्ट। थैंक यू सो मच ब्रदर। बिकॉज़ ऑफ हिम आई मेट ऑल देम। सो ट्रैवल इज लव टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लाइक बटन। शुभम और नासिक ब्रदर्स ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया मॉल रोड तक एंड काफ़ी मज़ा आया हिमालय चलाने में। थैंक यू सो मच ऑल एंड डेफिनेटली बहुत जल्द नासिक आऊँगा और इन सब से मिलूँगा।
बहुत मज़ा आया, अमेजिंग डे मैन, सच अमेजिंग डे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द शॉर्ट, यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, प्लीज लाइक द वीडियो मैन। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर द वीडियो। कीप गोइंग, कारवां चलता रहेगा, लोग मिलेंगे, पर मंजिल मिले मिले सफर जन्नत है। सो लेट्स कीप गोइंग मैन। बात होनी है, इनको बनना था पायलट, गलती से बन गए बाइक ड्राइवर राइडर, तो रजिस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी। तो बस मॉल रोड पर घूमते घूमते हैं, थोड़े बस स्टैंड ही मॉल रोड के ऊपर ही, मैं सोच रहा हूँ यहाँ बस का जो फेयर है और बस कहाँ कैसे कैसे जाती है आपको दिखा दूँ, बस का रेट क्या है, और कुल्लू की भी चलती है बसें और दिल्ली तक की भी चलती हैं, लेट मी शो यू द प्राइसेस एंड टाइमिंग। लोकल बसेज हैं, और जिसको अगर मनाली से ले जाना हो तो उसकी ये बस है मनाली टू लेह वाया केलोंग पास, इसका है 1000 रुपये पर सीट। यहाँ से दिल्ली तक की बस कितने की है? हाँ जी 2000 years later। वैसे यहाँ से दिल्ली की बस कितने की है? कितने की है टिकट? दोनों का प्राइस बताइए आप। उसका है ना वो टाइमिंग क्या क्या है? 5 बजे से 6 बजे। ओके, ऑर्डिनरी का क्या रेट है? 900 रुपये ऑर्डिनरी, 900 रुपये 935। ओके सर, धन्यवाद। सो ऑर्डिनरी का 935 रुपये और वोल्वो का 1600 रुपये। मैं 500 रुपये टिकट करके आया हूँ वोल्वो बिजनेस क्लास की। तो गाइस बेवकूफ ना बने, ऐसे ही होता है, हरा सही ना, गवर्नमेंट बसेस इज गवर्नमेंट बसेस। सीटें कैसी होती हैं क्या है, और इस बस का प्राइस है 935 रुपये। मैन थम्स अप, मैन थम्स अप, एंड 935 रुपये, आई एम शॉक्ड बाय हियरिंग दैट, सीरियसली। वोल्वो 1635 ऑनलाइन, 900 रुपये से ऊपर और 1000 रुपये से ऊपर कोई वोल्वो नहीं है। लास्ट प्राइस आपका 1100 तक जाता है, लास्ट प्राइस वोल्वो ऑनलाइन, जिसमें आपको LED वेलेडी सब फैसिलिटी मिलती है, AC है, वाईफाई है, इवन आई नो वाईफाई वाज नॉट वर्किंग बट टूटा फूटा चल तो रहे, बोल तो रहे हैं तो सही। दिस इज द बस स्टैंड ऑफ मनाली, मॉल रोड। सो अब बज रहे शाम के कुछ 6 और ओल्ड मनाली जस्ट हियर रोड है, पीछे जो ब्रिज है वहाँ से माँ हडिम्बा रेस्टोरेंट, काफ़ी काफ़ी फेमस, काफ़ी लोगों से पूछा इस बारे में। सो मेरा खाना आ चुका है, जिससे कि आप देख सकते हैं कर्ड, मिक्स वेज, ये राजमा और दाल राइस। वहाँ खाना खा लिया, खाना बहुत ओके, अब एक दूध ले लिए अमूल का टेट्रा पैक, बिकॉज कल जो लिया था वो तो बहुत ही ख़राब हुआ, उसका घटिया एकदम पतला सा। हॉस्टल जा रहा हूँ, आज का दिन यही ख़त्म, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, एंड कल की बस है, देखते हैं कैसे भी होता है। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 14 अगस्त और बज रहे हैं कुछ सुबह के 12। आई नो मैं काफ़ी लेट उठाऊँ, और आज है मनाली का आखिरी दिन, अब वापस जाऊँगा दिल्ली, आज शाम की मेरी बस है, देखता हूँ कैसे करना है, कैसे क्या है। बस है शाम के 6 बजे की। सो गाइस अब बज रहे कुछ करीब करीब 3, मैं निकल चुका अपने हॉस्टल से और बैग ले लिए दोनों, मेरी बस है करीब 5:30 बजे की, प्राइवेट मनाली बस स्टैंड से जहाँ पे मैं आया था वही एक बस स्टैंड है यहाँ पे नॉर्मली। अब वैसे तो जाने का मन नहीं कर रहा इन पहाड़ों को छोड़ के, पर सो मस्ट गो ऑन, जाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत खाना वाना खाऊंगा, देखूंगा कैसे करना है, और निकल जाऊंगा वापस दिल्ली की ओर। कल है 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे, सो आपको कंग्रेचुलेशन, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो 15 अगस्त कब का निकल चुका होगा, बिकॉज एक एक करके वीडियोज आएंगी। कीप गोइंग गाइस, हैव फन, कीप चिलिंग, एंड देयर इज एप्पल, आई मस्ट पिक 2 or 3 एप्पल्स फॉर माय गो, ऑफ कोर्स। मैंने अभी 2 एप्पल खाए थे, बहुत बहुत सही थे, दैट वाज टेस्टी इनफ। सो खाना खा लिया, खाना वाज गुड, अब जर्नी खत्म होने लगी है, बस मैं अपने बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले
तीन चार दिन पहले इसी सेम रोड से सेम इसी के पीछे खड़ा होकर मैं बोल रहा था कि मनाली के लोग हेल्प नहीं करते, कम करते हैं, बट कुछ लोग करते हैं, ऑफकोर्स टूरिस्ट प्लेस है, कुछ लोग नहीं करते। यू जस्ट हैव टू बी वोकल, आपको बातचीत करनी आनी चाहिए सबसे, यही। और मेरी बस है, सोच रहा हूँ बैग वैग रख के ही बात करूँगा। एंड इस बार मैंने दो बैग कैरी करे जस्ट बिकॉज जब मैं बैग रखता था हॉस्टल में उसके बाद ये वाला बैग लेके मैं कैरी घूम नहीं सकता था यार, क्योंकि यार ये वाला बैग लिया होता है जिनो जब मैं सोलंग वैली गया या लोकल घूमा तो मैं ये बैग लेके घूमा। बस यही, अब बाकी समरी ऑफ द ट्रिप यू नो यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोज। और बाकी दो भी लास्ट की बातें हैं, हॉस्टल की बात है, सब कुछ सोलंग वोलांग चेकिंग एंड ऑल ओवर। आपने अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो जरूर देखें मनाली की और देख ली, तो आगे की ये वाली वीडियो कंटिन्यू करें। अब मैं बैग रखूँगा अपने बस में, तो दिस टू बस स्टैंड इन मनाली, एक तो आपका प्राइवेट बस स्टैंड है, एक मॉल रोड पे है। सो यही, सो फाइनली मैं प्राइवेट बस स्टैंड मनाली आ चुका हूँ, यहीं से सारी बसें चलती हैं। सो वापसी की जर्नी है भाई के साथ सेम अगेन जिंग बस, भाई का नाम क्या है? जेडी। तो काफ़ी मज़ा आएगा। और एक बस चाहिए, ये बस जाते हुए कहाँ कहाँ रुकती है? जाते हुए मंडी में रुकी है, और उसके बाद तो मेन स्टॉप कहाँ होता है हमारा, मिडिल मेन स्टॉप कहाँ होता है? मिडिल चुपका मंडी में, मंडी में होता है आधे घंटे का। आधे घंटे ओके, उसके बाद पूरी रात चढ़ती है चंडीगढ़ रुकती है? चंडीगढ़ में 5 मिनट की रुकती है, उसके बाद जो आगे मतलब हमारा पिछली मेरे पास 10-15 मिनट। ओके ओके नाइस, उसमें चाय टी ये स्टॉप होते हैं, आप जाएँ तो जाते हैं आपके होस्ट हो सकते हैं। तो ही सच ए नाइस गाय, डू मेरी टीम एज अगेन। एक बहुत सुंदर सफ़र ख़त्म होने को जा रहा है मनाली का, जिसमें मैंने पूरी मनाली के बारे में दिखाया कि मनाली में आप कैसे आ सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं थिंग्स को। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से मिला, काफ़ी मज़ा आया। केरला से जो भाई मिले थे, नासिक ब्रदर्स, इनकी हमने हिमालयन चलाई और काफ़ी अच्छा इन्जॉय करा। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इफ आई रिमेम्बर, हमारे हॉस्टल वाले भाई, मैंने कितनी हिचहाइक करी जैसलमेर वहाँ पे, और लोगों से लिफ्ट मांगी, हिचहाइक करी, सो फन मैन, सो फन। सोलंग वैली गया और जाते हुए करीब करीब 6 हिचहाइक करे, और आते हुए भी 5 वाली मैंने लिफ्ट मांगी, अप्रॉक्सीमेटली 80 भी चलाई एंड माउंटेन बाइक यू नो पिक्चर्स एंड ऑल, काफ़ी मज़ा है, काफ़ी मज़ा। सो बस अब ये जर्नी ख़त्म होने जा रही है, मन तो था एक दो दिन और रुको, पर मन तो हमेशा ही करेगा जाने का, मन ही नहीं करेगा, बट जाना तो पड़ेगा, काम है और भी चीज़ें। जब मौका मिले नेचर को इंजॉय करें, एज ए ऑलवेज से ट्रैवलिंग डज नॉट मीन यू हैव सो मच मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा हो आप घूम सको, बट आप बस घूमने की चाहत होनी चाहिए, मनी इज नेवर इम्पॉर्टेंट, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ हद तक हमेशा रहूँगा, कुछ हद तक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है अपने पास एज यू सिक्योरिटी थिंग। मैं सोलंग गया था, आई ऑल्सो मनी की अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी बढ़ जाए तो क्यों वो मनी विद यू। बट इस बार मेरी जर्नी दोबारा अगेन रिंग बस से हो रही है, मुझे ये बस अच्छी लगी। बट ये बस जो है, बस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इसमें ये बिजनेस क्लास नहीं है, नॉर्मल सीटिंग है, और देन इट्स फाइन, इट्स ओके, बट आई एम पेइंग द सेम अमाउंट जो मैंने आते हुए पे करी थी बस की। आई डोंट नो किसी की ऐसा क्यों है, बट ओके मैं आपको प्रेफर करूँगा जब भी आप आएँ तो वो बिजनेस क्लास वाली करें ऑडी की। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी और रास्ते पे, फिर किसी और जगह घूमते हुए। टिल देन बी सेफ, बने रहें एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय।